डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक नीति एंड न्याय यस इस टॉपिक पे आज करेंगे हम लोग चर्चा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये एक क्या प्रयास है जो न्यू फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है एफ यू जी पी यू जी सी की जो डी यू ने लागू कर दिया और कई अन्य यूनिवर्सिटीज कॉलेज ने लागू कर दिया है इस सेशन से सी यू ई टी यू जी के बाद में भी आपके लिए एक दूसरा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक या झटका जैसा हो क्योंकि अब तीन साल के बदले चार साल की है और इसमें जो सिलेबस है वो पूरी तरह से अभी पता भी नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर की केवल सिलेबस पता है और उसी पे जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स हैं पेपर टू आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंशियंट इंडिया उस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं ये चौथी टॉपिक है जो हम लोग आज देख रहे हैं यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वो हैं जो ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं या आप अदर कंपिटिटिव एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई होप कि आप कम्युनिटी के हित में आप अपने जूनियर्स अपने बहन भाइयों दोस्तों उनके जूनियर्स और उनके छोटे भाई बहनों को इन्फॉर्म करेंगे कि फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट न्यू सिलेबस के लिए सर जो सीरीज ला रहे हैं उसको वो जरूर देखें उससे फायदा होगा जैसे आपने फायदा उठाया था जब आप अंडर ग्रेजुएट में थे तो चलिए इस छोटे से भाषणबाजी के बाद शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक नीति एंड न्याय पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन शुरू करें समझने की कोशिश करें सिचुएट करें कि ये जो टॉपिक है वो कहां पे है सिलेबस में जैसा मैंने बताया आइडियाज और एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट एनसियंट कह लीजिए आप उसमें जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर टू इसको इस पेपर का नाम उन्होंने डीएससी टू दिया है उसमें हम लोगों ने स्टेट क्राफ्ट कवर कर लिया धर्मा डंडा कर लिया अब हम लोग जो है सभा समिति भी कर चुके हैं और ये छूटा हुआ था यूनिट थ्री नीति और न्याय आज कर रहे हैं और बाद में इन दोनों को हम लोग करेंगे मोस्टली वो इस बुक पे आधारित है द आइडिया ऑफ जस्टिस बाय प्रोफेसर अमृत्य सेन और उन्होंने जो लिखा आप यहां पढ़ सकते हैं थोड़ा छोटा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है थ्योरी या आइडिया ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल के बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि मतलब तो डिस्कस थोड़ा करेंगे उसके एक तरह से रिस्पॉन्स में प्रोफेसर सेन ने दो में ये एक बुक लिखी थी आइडिया ऑफ जस्टिस जिसके जिसमें उन्होंने नीति और न्याय दो संस्कृत के जो वर्ड हैं उसको उन्होंने जस्टिस के पर्सपेक्टिव में दो अलग अलग खाने में रख करके एक चर्चा की और एक तरह से कहा कि इस तरीके से दुनिया में न्याय ज्यादा सुनिश्चित किया जा सकता है बल्कि नीति बेस्ड पर्सपेक्टिव से जो जॉन रॉल ने अपनाया है बेसिकली उन्होंने यह बात कही थी अब आइए कि हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि न्याय क्या है जस्टिस जिसको हिंदी में हम न्याय कह सकते हैं और बहुत सारे और वर्ड से भी नीति भी उसी का एक वर्ड है तो लेटेस्ट सी अंग्रेजी का ये जो जस्टिस है उसके क्या मायने हैं, उसकी परिभाषा क्या है उसके कितने प्रकार है देखिए ये एक ऐसी सेंस है जस्टिस की या न्याय की कि हम मनुष्य को जन्म से होती है ये लगता है कि नेचर या गॉड गिवेन है एक छोटा बच्चा भी जब उसके माता पिता उसके साथ बिहेव करते हैं उसके दोस्त उसके साथ बिहेव करते हैं टीचर करते हैं स्कूल में तो वो समझ जाता है कि उसके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है ये बिल्कुल समझ जाता है यदि घर में मान लीजिए कि तीन बच्चे हैं और दो चॉकलेट आती है और दो बच्चे में बांट दिया जाए तो तीसरे को ना दिया जाए तो तीसरा समझ जाता है कि उसके साथ गलत हुआ है अन्याय हुआ है वो उसके अगेंस्ट में या तो आवाज उठाएगा दुखी होगा ये जो चीज है वो जस्टिस है मतलब ये सेंस कि कुछ जो है ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है फेयर है या नहीं इसको वर्चु से भी जोड़ सकते हैं जो अच्छा है वो जस्ट है यदि आ, आपका बिहेवियर किसी के प्रति अच्छा है आप किसी में जो है भेदभाव नहीं करते हैं जो उसको मिलना चाहिए वो देने की कोशिश करते हैं जो आपका कर्तव्य है उसको करने की कोशिश करते हैं जस्टिस है न्याय है एक तरह का मोरल एक्ट है यहां मोरलिटी इथिक्स आती है क्या करना उचित है क्या करना गलत है ये जस्टिस है उसी तरह का सोशल अरेंजमेंट भी परिवार से समाज में हो चाहे देश में उस टाइप की जहां भेदभाव नहीं है एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं हारमनी है अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वो जस्टिस है ये भी जस्टिस का एक है कि जिसको जो हक है जिसका उसको वो हक मिले फेयर शेयर टू ऑल यदि परिवार में जो रिसोर्सेज हैं उसका बंटवारा फेयरली हो समाज में जो रिसोर्सेज हैं जो पद हैं ऑफिस है उसका बंटवारा जस्ट हो फेयर हो जो देश में रिसोर्सेज हैं उसका बंटवारा फेयर हो जस्ट हो किसको कितना मिले किस बेसिस पे मिले न्याय है जस्टिस ऑल्सो इंप्लाई समथिंग विच इज नॉट ओनली राइट टू डू एंड रॉन्ग नॉट टू डू मतलब क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है बट ऑल्सो थ समन कैन क्लेम फ्रॉम अस एज मॉरल राइट कोई देखिए मिल कहते हैं एक तरह का यह परफेक्ट ऑब्लिकेशन है आपका मतलब हम समाज में जब रहते हैं तो हमारा दो ऑब्लिकेशन है एक परफेक्ट जो जस्टिस है एक इनपरफेक्ट जैसे कि यह हमसे आशा की जाती है कि हम किसी की जान ना लें हम किसी के साथ झूठ ना बोले किसी के साथ हम दुराव छिपाव ना करें या उसके साथ हम डिजोनेस्टी ना करें उसको धोखा ना दे परफेक्ट ऑब्लिगेशन है हमारा दूसरे के प्रति यदि कोई हमसे ये मोरल राइट right के तौर पे हमसे मांगता है सामने वाला व्यक्ति जैसे कि मान ले सामने वाला व्यक्ति हमसे मोरल राइट right के तौर पे मांगता है कि तुम मुझे मत मारो तुम मुझे मत धोखा दो तो यह उसका मोरल राइट right है तो उसको न्याय कह सकते हैं वो जस्टिस है परफेक्ट ऑब्लिगेशन इसके अलावा यदि इंडियन इथिक्स एंड जूरी में देखे जो प्रोफेसर सेन ने जो अपनी आइडिया ऑफ जस्टिस इस पे बनाई तो दो तीन वर्ड जो है वो न्याय को दर्शाते हैं पहला है नीति नीति एक तरह का जस्ट या फेयर रूल्स है रूल ऑफ द गेम कैसे बंटवारा करें रिसोर्सेज का कैसे कोई ऑफिस दें क्या करना सही है रूल रेगुलेशन ऑफ लाइफ ये इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस को भी दर्शाता है जो इंस्टीट्यूशन समाज के सोशल अरेंजमेंट को मैनेज करते हैं चाहे वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन हो फैमिली इंस्टीट्यूशन हो या सरकार के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन हो उसकी फेयरनेस ये बिहेवियरल करेक्टनेस को भी दर्शाता है नीति। मतलब हर व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो क्या उचित व्यवहार होना चाहिए अपने प्रति और समाज के प्रति वो नीति है जबकि न्याय एक दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग लेकर के आते हैं जो ज्यादा जस्टिस को दर्शाता है हम न्याय जस्टिस का यदि सबसे अच्छा यदि हिंदी रूपांतरण है तो वो न्याय है जिसको वो कहते हैं कि ये रियलाइज जस्टिस है ये केवल कानून रूल रेगुलेशन नहीं है किस तरह से जस्टिस लाया जा रहा है या इन जस्टिस को खत्म किया जा रहा है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में समाज में वो न्याय है न्याय होता हुआ दिखना चाहिए धर्म जो मैंने आपको धर्म पढ़ाया है धर्म इट्स जो है आपने देखा राइटियसनेस मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी यूनिवर्सल मोरल लॉ इस टाइप की बातें हैं राइट मनसा वाचा कर्मना मतलब राइट थॉट एक्शन डीड्स तो धर्म इट्स जो है वो न्याय को दर्शाता है यदि आप धर्म के मार्ग पे हैं तो आप न्याय के मार्ग पे हैं। तो नीति न्याय एंड धर्म इसके यदि देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट uh, में तो इसके सोर्स कहां से आते हैं ये धर्म का जो जो पूरा कॉन्सेप्ट सॉरी जो न्याय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक तो वो रिलीजन से आता है हमारे धर्म धर्म ग्रंथों शास्त्र क्या न्याय है समाज में कैसे व्यवहार करना अपने प्रति कैसे व्यवहार करना राजा का कैसे व्यवहार करना ये न्याय है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन कस्टम जो रहे उससे भी न्याय आता है कि कैसे किसको बिहेव करना चाहिए जो हजारों साल से परिपाटी परंपरा बन जाती है कि ऐसे एक फादर को जो अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए बच्चों को फादर के साथ बिहेव करना चाहिए वो न्याय है एक तरह का नेचुरल लॉ से भी न्याय आता है नेचर हमें सिखाती है कि हमें ये कई मतलब हम बार आप देखेंगे जैसे डेविड गॉथियर कहते हैं और बहुत अन्य थिंकर कहते हैं मॉडर्न टाइम में कि जस्टिस एक तरह का म्यूचुअल एडवांटेज है मतलब आपका बुद्धिमानी से सोचो तो जस्टिस क्या है यदि जस्टिस नहीं है तो सबसे बुरा हाल होगा कमजोर लोगों का जो मजबूत होंगे वो कमजोर को दबाएंगे बुली करेंगे जिसको मत्स्य न्याय जो है कहा जाता है फिर आगे भी हम लोग मत्स्य न्याय को चर्चा करेंगे प्रोफेसर सिंह ने भी इसको काफी चर्चा किया है जिसमें बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है तो ये मत्स्य न्याय है तो जस्टिस जो है एक तरह का म्यूचुअल एडवांटेज है और कमजोर लोग बहुत ज्यादा कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा तुम मेरी हत्या मत करो मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा तो मतलब ये जो है म्यूचुअल एडवांटेज है यदि आप जस्टिस किसी के प्रति दिखाते हैं दूसरा जस्टिस दिखाता है तो दोनों को फायदा है विन विन सिचुएशन समाज को फायदा है व्यक्ति को फायदा है तो इेशनलिटी रीजन से भी जुड़ा हुआ है सोर्सेस का अब यदि हम लोग ये देखें कि जो ग्रेट थिंकर हुए हैं उन्होंने जस्टिस के बारे में कैसे सोचा है तो जैसे देखिए प्लाटो जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे उन्होंने इसको इसको जस्टिस को फंडामेंटल कहा है, मतलब है, है, है।, है ज्यादा टेम्परेंस, टेम्परेंस मतलब गुस्सा होना ना कभी ज्यादा खुश होना मतलब संभाव रखना करेज तो उसमें जस्टिस भी उन्होंने एक, एक तरह का समझिए कि वर्च्यू है एरिस्टोटल के अनुसार और आगे भी आप देखेंगे जस्टिस दो तरह से कहते हैं जस्टिस जो हारमनी ऑफ द सोल है आगे मैं डेफिनेशन भी दूंगा और, और और समाज में जिसको जो कार्य दिया गया है जिस क्लास को उसको सर झुका के आत्मा की प्योरिटी से करना अपने बेस्ट एटीट्यूड अप, अपने बेस्ट एबिलिटी के अनुसार वो भी जस्टिस है मतलब जिसको जो कार्य दिया गया है उसको करना एरिसोटल के अनुसार जस्टिस जो है वो प्रपोर्शनल इक्वलिटी है मतलब कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड विथ अनइक्वल किसी का यदि टांग टूटा हुआ है तो उसको दो टांग वालों के साथ यदि आप दौड़ाते हैं और बोलते हैं दोनों इक्वल है नहीं इक्वल नहीं है और इक्वल को मेंटेन करना भी जो है जिसको बोलते हैं मिडिल पाथ वो भी जस्टिस है जॉन जॉन एस होना चाहिए रॉल्स उन्होंने जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया जो सेमिनल एक तरह का क्रिएशन है थ्योरी ऑफ जस्टिस उसमें उन्होंने जस्टिस को फेयरनेस से कंपेयर किया फेयरनेस मतलब पूर्वक बंटवारा किस चीज का प्राइमरी सोशल गुड्स का प्राइमरी सोशल गुड्स क्या है समाज में जो आपको इज्जत मान मर्यादा वेल्थ इनकम पद पदवी ये सारी चीजों का बंटवारा फेयर होना चाहिए जस्ट होना चाहिए यही जस्टिस है रॉबर्ट नॉजिक जो एक फेमस लिबर्टेरियन थिंकर थे उन्होंने जस्टिस को जोड़ा फेयर इंटाइटलमेंट से आपका जो उचित हक है खास करके प्राइवेट प्रॉपर्टी या वेल्थ वो आपको मिलना चाहिए ये न्याय है प्रोफेसर सेन जिसपे डिस्कशन ज्यादा आधारित है उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है लोगों को फ्रीडम देना कैपेबल बनाना जिससे वो एक वर्चुअस लाइफ या मीनिंगफुल लाइफ लीड कर सके ये न्याय है उसके रास्ते में जो कोई बाधा आती है उसको दूर करना न्याय है मतलब फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी के रास्ते में जस्टिस जो है वो एक तरह का पिलर है जिस पे की जो बाकी जो नॉर्मेटिव वैल्यूज हैं पॉलिटिकल वैल्यू इक्वलिटी लिबर्टी राइट वो आधारित है वही पिलर है इसी पे जस्टिस पे ही जो है ये सब टंगे हुए हैं यदि जस्टिस नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है याद रखिएगा तो ये चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में मैंने आपको अपनी थॉट बताई जो मैं समझ पाया हूं कि न्याय क्या है जस्टिस क्या है एक तरह का प्राइमर बिफोर वी स्टार्ट नीति भरसे अब डेफिनेशन देखे इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसको आप पढ़ लीजिएगा मैंने कल आपके एग्जामिनेशन के लिए दिया है एक दो मैं कल पढ़ देता हूं प्लेटो के अनुसार जस्टिस इज हार्मनी ऑफ द सोल अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं एंड ईच इंडिविजुअल एंड क्लास परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड प्लेटो ने इनफैक्ट जो बुक लिखा है रिपब्लिक उसका टाइटल ही है कंसर्निंग जस्टिस जस्टिस क्या है इसी पे पूरा बुक है वो और उस बुक का थोड़ा भी पार्टी आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर तो उन्होंने कई तरीके से बताया जस्टिस क्या नहीं है और फिर उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है एरिस्टोटल का आप देख लीजिएगा प्रोपोर्शनल इक्वलिटी उनके लिए जस्टिस है जॉन रॉल के अनुसार मैंने आपको बता ही दिया है नॉजिक का बता दिया जेएस मिल का मैंने बताया डेविड मैंने बता दिया आप पढ़ लीजिएगा इसको यदि हम देखें कि जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं और मतलब ऐसा नहीं कि इतने ही प्रकार के लेकिन कुछ जो मेन टाइप में उसको आप बांट सकते हैं एक है प्रोसीजरल जस्टिस ये मॉडर्न काल में प्रकाश में ज्यादा आया है मतलब पे जिसको आप नीति कह सकते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीति मतलब यहां पे जो समाज में एक जस्ट फेयर ट्रांसपेरेंट रूल रेगुलेशन प्रोसीजर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाता है जैसे वेस्टर्न समाज में होता है जहां पे कि यदि उन रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाए और इंस्टीट्यूशन जो है अपना कार्य पूरी ईमानदारी फेयरनेस ऑटोनॉमी बिना भेदभाव के करें तो यह माना जाता है कि जस्टिस विल प्रिवेल मतलब जस्टिस हो जाएगा यह प्रोसीजरल जस्टिस है मतलब यदि प्रोसीजर फेयर है जस्ट है तो जो उसका आउटकम होगा वो भी फेयर एंड जस्ट होगा दूसरा प्रकार जो है वो प्रोसीजरल जस्टिस से थोड़ा हटके इसको आप फॉर्मल समझ सकते हैं फॉर्मल जस्टिस ये जो है सबस्टैंडिव आ जाता है अब यहां पे न्याय की तरफ हम जा रहे हैं जस्टिस होता हुआ दिखे हो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है यहां केवल रूल रेगुलेशन की बात नहीं है जब हम समाज में इंश्योर करते हैं कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स एंड सर्विसेज का बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ऑफिस एंड पद पदवी का तब हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो कि सोशल जस्टिस भी है यदि ये इसको भी दर्शाता है कि समाज में क्या इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है या नहीं हैरारकी खत्म हुई कि नहीं इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन्ड है या नहीं और लोग जो है उनको बेसिक नीड जो मिनिमम नीड है रोटी कपड़ा और मकान वो समाज या सरकार सुनिश्चित कर रही है कि नहीं ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है जो कि केवल बातें बनावटी नहीं है मतलब इसको यदि हम क्रूड वे में कहें यदि इसको वे में बोलें कि ये तो जो है बातें हैं रूल हैं रेगुलेशन है इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस है, है लेकिन एक्चुअल क्या न्याय है तो एक्चुअल न्याय जो है सबस्टैंडिव जस्टिस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से परिलक्षित होती है डिनोटेड होती है देन थर्ड कैटेगरी है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस Retributive justice एक तरह क्या है बदला, आग का बदला आग. जस्टिस जो है, है। बदला बदला का जो जो आपका क्राइम हुआ, उसका आप देते हैं, तो ये जस्टिस है. मैंने आपको बताया है, जब दंड में पढ़ा रहा था कि भारतीय आइडियाज में रिट्रीब्यूटिव जस्टिस को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिया गया वेस्टर्न समाज में दिया गया है रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या है कि जो विक्टिम है उसको जो गलती हो गई है और उसको मतलब जो कष्ट हो गया है उसको कैसे रिस्टोर किया जाए रिपेयर किया जाए और जो ऑफेंडर है उसको भी कैसे जो है सुधार ला करके मेन हिस्ट्री में शामिल किया जाए हमारी जस्टिस इस पे बहुत आधारित है रेस्टोरेटिव जस्टिस एक और जस्टिस का टाइप है जिसको यदि आप डोमेस्टिक या ग्लोबल में बांट दे एक है कि एक कंट्री के अंदर में जस्टिस या एक समाज के अंदर में जस्टिस जैसे भारत हो या भारत में भी मान लीजिए एक पर्टिकुलर समाज है उसके अंदर जस्टिस और एक है ग्लोबल जस्टिस मतलब जो देश के बाउंड्री से बाहर चला जाता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड के स्तर पे कंट्री कंट्री के बीच में क्या इक्वलिटी है क्या एक इक्वल स्टेटस है हर कंट्री की क्या डिग्निटी सेम है क्या यूनाइटेड नेशन जो है वो इक्विटी पे बेस्ड है क्या वहां जस्टिस है क्या वहां प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है क्या वहां न्याय दिखती है क्या जो ग्लोबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि जो गरीब देश हैं वो कच्चा माल लेबर वो सप्लाई करते हैं और अमीर देश उन्हीं लेबर कच्चे माल को मैन्युफैक्चर करके टेक्नोलॉजी से फिर गरीब देश को काफी हाई कीमत पे बेचते हैं और पैसे जो है ट्रांसफर करते हैं क्या ये अनइक्वल एक्सचेंज न्याय है इस तरह की जो बातें हैं ये ग्लोबल जस्टिस है ग्लोबल लेवल पे अब आइए आफ्टर दिस एक प्राइमर डिस्कशन के बाद हम चर्चा करते हैं नीति वर्सेस न्याय पे जो प्रोफेसर सेन ने जस्टिस के दो पर्सपेक्टिव दिए हैं एक मतलब कह लीजिए प्रोसीजरल रूल बेस्ड और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव सबस्टेंटिव जो होता है जस्टिस जो एक्चुअल रियलाइज जस्टिस उसको न्याय कह लीजिए अब यदि हम पहले नीति पे आए तो मैं बहुत चीजों को रिपीट करूंगा जैसे बार बार आपको ये हो जाए इंस्टीट्यूशनल एंड अरेंजमेंट फोकस पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस है ध्यान दीजिए मतलब कि इंस्टीट्यूशन को महत्ता दी जाती है कि इंस्टीट्यूशन फेयर हो जस्ट हो ऑटोनोमस हो बिना भेदभाव के अपने बेस्ट एबिलिटी इफिशेंसी से काम करें और इसके अलावा एक ऐसा सोशल अरेंजमेंट हो जिसकी रूल रेगुलेशन जस्ट फेयर हो प्रोसीजर फेयर हो तो आउटकम फेयर होगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए गलत नहीं करना चाहिए मतलब अपनी एक जिसको कह लीजिए धर्म को मेनटेन करना वो प्रोप्राइटी है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोप्राइटी मतलब बेमानी नहीं करनी चाहिए कोई चीज को रूल को तोड़ मरोड़ करके जो है झूठ किसी चीज को करके बेमानी करके जो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करते हैं किसी चीज को छिपाते हैं वो नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रोपराइटी एंड बिहेवियल करेक्टनेस बिहेवियल करेक्टनेस ऑन पार्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन तो यदि ऐसा है तो ये नीति पर्सपेक्टिव में माना जाता है कि जस्टिस होगा यदि समाज में फेयर रूल रेगुलेशन है जस्ट प्रोसीजर है इंस्टीट्यूशन उसको पूरा कराने में सक्षम है उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो न्याय है मतलब न्याय होगा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा मान लीजिए किसी ने किसी को थप्पड़ मारा वो पुलिस में शिकायत किया इंस्टीट्यूशन काम करता है उस व्यक्ति को पकड़ेगा कोर्ट उसको सजा देगी और इससे न्याय हो जाएगा क्योंकि सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं कोर्ट अपना काम कर रहा है पुलिस अपना काम कर रहा है और सारे जो जो व्यवस्था है वो सही चल रहा है तो न्याय हो जाएगा ये माना जाता है नीति में इसके अलावा प्रोफेसर सेन कहते हैं कि नीति बेस्ड पर जो है वेस्टर्न समाज से निकली है पिछले 300 सालों में और ये एक परफेक्टली जस्ट सोसाइटी की परिकल्पना करती है कि सोसाइटी में जो है यदि इस टाइप की व्यवस्था हो तो एकदम एक परफेक्ट जस्ट सोसाइटी का एक निर्माण होता है इट सर्स इचेज फॉर वन बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बाई फॉलोइंग विच जस्टिस विल प्रिवेल एवरीवेयर एनी वेयर देखिए यहां पे आके यूनिवर्सलिज्म की बात आ जाती है मतलब ये एक खोज है कि क्या बेस्ट जो है प्रिंसिपल्स हैं मतलब नीति कह लीजिए या प्रिंसिपल कह लीजिए वे कह लीजिए तो रूल रेगुलेशन जिसको कि हम ऐसा निर्माण करें उस बेस्ट प्रिंसिपल का कंबिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स का कि उसको कहीं पे भी यदि फॉलो करवा दें चाहे वो इंडिया में हो चाहे जापान में हो तो जस्टिस हो जाए तो ये सोच जो है नीति बेस्ड परस्पेक्टिव देखता है कि एक सेट ऑफ यूनिवर्सल जस्ट एंड फेयर प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जस्टिस कैन बी ब्रॉट एनी वेयर एवरीवेयर इन वर्ल्ड लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह है प्रोफेसर सेन कहते हैं कि यह एक पर्टिकुलर टाइप के सोसाइटी और सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को पहले ही सोच लेता है कि ऐसा होना चाहिए जैसे कि रॉल्स थ्योरी और जस्टिस पहले ही मानता है कि समाज लिबरल है वो कहता है यदि समाज लिबरल नहीं है तो मेरा प्रिंसिपल लागू नहीं होता है सऊदी अरेबिया में नहीं लागू होगा ईरान में लागू नहीं होगा ये उस समाज में लागू होगा जहां पे कि ओवरलैपिंग कंसेंसस है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मतलब लगभग कंसेंसस कह लीजिए मेजर फंडामेंटल वर्चूज पे है मतलब लोगों में ये सेंस लगभग कॉमन है कि जस्टिस क्या है ऐसा नहीं कि मतलब कि लोगों में इस पे भी एका नहीं है लगभग कि न्याय है क्या और समाज जो है लिबरल है टॉलरेंट है मल्टीकल्चरल है इस टाइप की पहले ही मान ली इनलिबरल है।, है, है तो रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस वहां नहीं चलती है इसी तरीके से नीति बेस्ड जो जो पर्सपेक्टिव है जस्टिस का वो समाज का पहले ही एक चरित्र को जो है वो प्री इमेजिन कर लेता है वो हर समाज में नहीं चलेगी पहले समाज को बदलना पड़ेगा तब जो है नीति लागू होगी इसके अलावा नीति बेस्ड की जरूरत को महसूस करता है क्यों क्योंकि जो है, उसके रूल रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसी ने किसी को थप्पर मारा यदि पुलिस अपना काम ना करे तो कोर्ट अपना काम ना करे तो यहां तो स्टेट है सरकार है उसका इकबाल है उसका द, दंड का फिर तभी तो सब काम कर रहे हैं पुलिस नहीं करेगा तो पुलिस सस्पेंड होगा जज नहीं करेंगे तो जज के ऊपर जो है आक्षेप आएगी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा तो ये जो व्यवस्था है वो नीति बेस्ड जस्टिस वो तभी चल सकती है जब कोई स्टेट हो और उसके हाथ में दंड देने का प्रोविजन हो तो वर्ल्ड लेवल पे तो कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है कोई सरकार नहीं है कोई दंड का प्रोविजन नहीं है तो फिर कैसे होगा इसलिए ग्लोबल लेवल पे नीति बेस्ड परस्पेक्टिव फेल कर जाती है प्रोफेसर कहते हैं कि नीति बेस्ड जो पर्सपेक्टिव है जस्टिस का रूल रेगुलेशन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बेस्ड वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से फ्लो करती है निकलती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एडिशन क्या है आपको पता है पंद्रहवीं सोलह शताब्दी के बाद शुरू हुआ फर्स्ट थ सेंचुरी में या उसके बाद कर फिर रूसो इमैनुअल और लास्ट में जॉन रॉल ने भी दिया बेसिकली इसमें क्या माना जाता है ऐसा इमेजिन किया जाता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी टाइम में हिस्टोरिकल टाइम में लोगों के बीच में जिसमें एक समाज की निर्माण की गई थी जो जस्ट फेयर है उस पर कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल पे एग्री किया गया था और उसी के तहत स्टेट की परिकल्पना हुई थी और गवर्नमेंट बना था उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करने के लिए और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना था कि अराजक जो सिचुएशन है एनआर जो है बिना सरकार के बिना स्टेट के बिना किसी ऐसे हायर ऑथोरिटी के जो लोगों के बीच में झगड़े को निपटा सके और शांति व्यवस्था बना सके लोगों के राइट्स को मेंटेन कर सके उसकी रक्षा के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और नीति बेस पर्सपेक्टिव उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है कि समाज में इस तरह से रूल रेगुलेशन फॉलो हो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो तो न्याय होगा तो ये देखें दूसरी स्लाइड हम नीति पे मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से देखें तो नीति एक काइंड ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस है जो मैंने कहा कि फ्रेमिंग जस्ट रूल रेगुलेशन प्रोसीजर इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल फेयर अरेंजमेंट

फेयर प्रोसेस में फेयर होना चाहिए जो रास्ते अब अपनाते हैं जिससे चल के जो जीवन जिया जा रहा है या सोशल अरेंजमेंट हो रही है जो एक्शन है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए चाहे इंस्टीट्यूशन का एक्शन हो चाहे इंडिविजुअल का या सोसाइटी का जो गरीब गुरुआ मजलूम है उनको वॉइस मिलना चाहिए सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए और जो डिसीजन मेकिंग है जिनके हाथ में सत्ता है जो निर्णय ले सकते हैं वो इम्पार्शियल हो फेयर हो अपने डिसीजन में यह जस्टिस का मेन प्रिंसिपल है ये पूरी जो नीति बेस्ड परस्पेक्टिव है वो वेस्टर्न समाज के जो व्यक्तिवादी समाज है इंडिविजुअलिस्टिक है लिबरल लिबरल आइडियोलॉजी का एक पार्ट है लिबरल डॉक्टराइन का जो कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो ऑलवेज वैल्यू करता है एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को जो लोगों के बिहेवियरल करेक्टनेस को इंश्योर करेगा क्योंकि लोग ये माना जाता है लिबरल डॉक्ट्राइन में कि वो स्वार्थी हैं लेकिन रीजेंड रैशनल पर्सन हैं जो कि अपने यूटिलिटी या अपने प्रिफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ समाज तभी न्याय आधारित हो सकता है यदि ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाए और ऐसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रखी जाए कि इसके बावजूद भी कि एक इंडिविजुअल स्वार्थी है लेकिन चूंकि वो बुद्धि है उसमें रीजन है उसको पता है कि इस रूल रेगुलेशन के अनुसार ही हमको एक्ट करना है तो अल्टीमेटली जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सबके भले के लिए होगा दिस इज जो मैं आपको बता रहा हूं इसको पब्लिक चॉइस थ्योरी भी कहते हैं या रैशनल चॉइस थ्योरी कहते हैं तो नीति उसी से निकलती है रैशनल चॉइस थ्योरी से निकलती है लिबरल आइडियोलॉजी से निकलती है वेस्टर्न जो कल्चर इंडिविजुअलिज्म है उससे निकलती है उससे करीब है इसलिए हम नीति बेस्ड जस्टिस को फॉर्मल जस्टिस लीगल प्रोसीजरल एंड इंस्टीट्यूशनल जस्टिस भी कह सकते हैं इसका यदि एग्जाम्पल देखें तो जॉन रॉल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है 1971 की बुक में उन्होंने दिया था वो रॉबर्ट नॉजिक ने जो इंटाइटमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया जो उनके बुक एनआर की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में उन्होंने लिखा था यह बुक एक तरह का वो जॉन रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस का जवाब भी था लिबरटेरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस रोनाल्ड डॉर्किन ने अपने बुक सॉन वर्च्यू टू में इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो दिया था कॉन्सेप्ट वो भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डेविड ग्वायर ने जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट दिया ये सारे एग्जाम्पल हैं नीति बेस्ड पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस का अब आइए जो न्याय नीति पर न्याय हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत सारी बातें जो मैं इसमें कह रहा हूं प्रोफेसर सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस बुक से है जिसमें प्रोफेसर सेन कहते हैं कि नीति जो कि एक तरह का अरेंजमेंट फोकस्ड पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस है न्याय उसके उलट जो है वह रियलाइजेशन फोकस्ड परस्पेक्टिव है यह डिनोट करता है एक्चुअल रियलाइजेशन जस्टिस का और एबोल्यूशन ऑफ ग्रॉस इनजस्टिस या तो जस्टिस हो या इनजस्टिस जो एकदम दिखता है उसको खत्म किया जाए डिफरेंट सोसाइटीज में इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कहीं अफ्रीका के घाना में जो है मान लीजिए वोमेन के साथ में जेनिटल म्यूटिलेशन हो रहा है वो घोर अन्याय है उसको खत्म करना कहीं मान लीजिए कि भ्रूण हत्या हो रही है गर्भ में ही उसको रोकना कहीं पे मान लीजिए कि जो लेबर हैं, गरीब मजलूम लोग हैं उनको सताया जा रहा है ग्रॉस इनजस्टिस कहीं उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है ग्रॉस इनजस्टिस कहीं पे लोगों को बंधक बना करके युद्ध युद्धबंदी को यातना दी, दी जा रही है ग्रॉस इनजस्टिस कहीं पे लोग भूखों मर रहे हैं और अनाज गोदाम में सर रहा है ग्रॉस इनजस्टिस इन सब को जो है यदि दूर किया जाए रियल वर्ल्ड सिचुएशन में किसी भी तरीके से तो यह न्याय है। यहां पे प्रोफेसर कि संस्कृत हमारे जितनी भी मैंने आपको पढ़ाया स्टेट क्राफ्ट उसमें आपने देखा होगा मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए स्टेट आया मत्स्य न्याय मत्स्य न्याय मत्स्य न्याय मत्स मनु स्मृति से लेके कौटिल्य से लेके वेद व्यास के महाभारत में हर जगह मत्स्य न्याय का जिक्र आता है तो इसको प्रोफेसर सेन कहते हैं कि हमारे इथिक्स एंड जूरिस में जो संस्कृत आधारित टेक्स्ट है उसमें मत्स्य न्याय दर्शाता है ग्रॉस इनजस्टिस को जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसको खत्म करना न्याय है इनका कहना है कि भले ही हम खूब रूल रेगुलेशन फेयर रूल बना दें इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस इंश्योर कर दें मैकेनिज्म इंश्योर कर दें सब कुछ ठीक कर दें लेकिन फिर भी यदि बड़ी मछली छोटी मछली को समाज में खा रही है तो अन्याय है फिर भी वो न्याय नहीं होगा सो so, न्याय केवल बातें नहीं है बातों का जमा खर्च नहीं है ये एक्शन है, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट है न्याय होना चाहिए ये नहीं कि आपने जस्ट रूल रेगुलेशन जस्ट बना दिए इंस्टीट्यूशन डिजाइन कर दिया और सोच रहे हैं कि हो जाएगा ये उसी तरह की बात है कि जैसे किसान होता है ना उसने बारिश आने से पहले बीज को बो दिया और फिर चार महीने के लिए आराम से सो गया चार महीने वाला फसल काटेंगे वो नीति बेस्ड कह सकते हैं न्याय है कि आपको हमेशा सजग रहना होगा कीड़े मकोड़ों से बचाना खाद देना उसको बड़ा करना और तब आप जब फसल होती है उसकी आप काटते हैं ये न्याय है मतलब अनुसार प्रोसेसिंग के अनुसार इसके अलावा नीति बेस्ड परस्पेक्टिव में जो एक खोज होती है यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कहीं भी जाके न्याय कर देगा ये न्याय बेस्ड परस्पेक्टिव में ऐसी कोई सर्च करने की जरूरत महसूस नहीं होती है यह मानता है न्याय बेस्ड परस्पेक्टिव कि बहुत सारे मल्टीपल प्रिंसिपल हो सकते हैं जो आपस में कंफ्लिक्ट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं मल्टीपल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जस्टिस को रियलाइज करने के लिए हर समाज अपने अपने तरीके से जो है इजाद करता है आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज कि न्याय उस समाज में कैसे लाया जाए कोई एक यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं बनाई जा सकती इसके अलावा नीति बेस्ड परस्पेक्टिव में जो एक सर्च होती है परफेक्टली जस्ट सोसाइटी को वो भी इसमें नहीं की जाती है न्याय केवल कोशिश करता है न्याय बेस्ड परस्पेक्टिव ऑन जस्टिस कि सोसाइटी ज्यादा जस्ट हो बाय रिमूविंग वन बाय वन एक एक करके जो मोस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रॉस इनजस्टिस जो हो रहा है घोर अन्याय जिस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उन सब पे एका बना के हाँ इसको खत्म करना है और उसको किसी भी तरीके से कोई भी प्रिंसिपल से किसी भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो पब्लिक ओपिनियन हो हर तरह के रिसोर्सेज एनजीओ से लेकर के सिविल सोसाइटी की और हर ताकत का इस्तेमाल करके उस जस्टिस को खत्म करना न्याय है ये जो है न्याय बेस्ड जो पर्सपेक्टिव है वो ये भी कोशिश नहीं करता कि हम पहले लिस्ट बनाए कि ये इनजस्टिस पहले खत्म करना है ये 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 ऐसे ये कोई प्रायोरिटी नहीं लाता है क्योंकि ऐसा मानना है प्रोफेसर सेन का कि ऐसे वर्ल्ड में कोई भी डिस्कशन से प्रायोरिटी आप फिक्स नहीं कर पाएंगे किसी के लिए कोई जस्टिस होगा किसी के लिए कोई जस्टिस होगा कोई यूनिवर्सल कंसेंसस भी नहीं बन सकता है जिसको वो कहते हैं परफेक्ट रैंक ऑर्डरिंग नहीं हो सकती है ना तो प्रिंसिपल की और ना ही इन जस्टिस की कि पहले किसको खत्म करना है या कौन सबसे अच्छी प्रिंसिपल है जिसपे जस्टिस हो सकता है वो ये कहते हैं कि पार्सियल रैंक ऑर्डरिंग हो सकती है लगभग एका हो सकता है कि चलो हम लोग सब मिल करके इतना तो मानते हैं कि जेनिटल म्यूटेशन को खत्म करना है या जो घोर अन्याय जो एक्सप्लॉयटेड लेबर के साथ हो रहा है उसको खत्म करना है स्लेवरी को खत्म करना है यह नहीं सोचना है कि यदि हम इसको खत्म कर देंगे तो समाज एकदम जस्ट परफेक्ट हो जाएगा परफेक्ट नहीं होगा बहुत सारे और उसमें इनजस्टिस रहेंगे लेकिन थोड़ा सा लेस इनजस्ट या अनजस्ट होगा इसलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट एंड फेयर इंस्टीट्यूशन रूल एंड प्रिंसिपल इट फोकसेज ऑन रियल वर्ल्ड सोसाइटीज एंड देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और लोगों का जो एक्चुअल बिहेवियर है उसको वो फोकस करते हैं समाज का जो एक्चुअल चरित्र है उस पर वो फोकस करते हैं ना कि समाज को ही पहले एक खास फ्रेम में ढाल करके और तब एक फिक्स सेट ऑफ रूल रेगुलेशन पे लागू करते हैं और ये जो है पब्लिक प्रैक्टिकल रीजनिंग से आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्रॉस इनजस्टिस कहां कहां दुनिया में क्या है और ओवल जितने भी रिसोर्सेज हैं इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एंड मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज मल्टीपल प्रिंसिपल को सबको इकट्ठा करके उस जस्टिस को खत्म करने की जो प्रयास है वो न्याय आधारित जस्टिस इस डिस्कशन को यदि आगे बढ़ाए तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि न्याय नीति के अलग ना तो नेशनल बाउंड्री से बंधी है कोई नेशन के बाउंड्री से बंधी नहीं है ये ग्लोबल लेवल पे लागू हो सकती है और इसके लागू होने के लिए कोई सॉवरन स्टेट भी नहीं चाहिए क्योंकि ना तो यहां पे कोई आपको आ, कोई यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल बनाने हैं ना ही उसको लागू करने के लिए किसी दंड का प्रोविजन है ये पब्लिक प्रैक्टिकल रीजनिंग से डेलिब्रेशन से ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफेबल इनजस्टिस को आइडेंटिफाई करना है पार्सियल रैंक ऑर्डरिंग से और जो भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल उसको इकट्ठा करके आपको उस इनजस्टिस को एक एक करके खत्म करना है इसलिए इसमें सॉवरन स्टेट भी जरूरत नहीं है इसीलिए ये ग्लोबल जस्टिस ला सकता है जबकि नीति बेस्ड कोई भी प्रिंसिपल ग्लोबल जस्टिस लाने में सक्षम नहीं है क्योंकि यहां पे एक और चीज समझिए जब रॉल ने अपना ग्लोबल जस्टिस पे बुक लिखा था लॉ ऑफ द पीपल तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो हम डिफरेंस प्रिंसिपल दे रहे हैं मतलब जो आगे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा वो केवल नेशनल बाउंड्री में चलता है मतलब हम पूरी दुनिया के लोगों का जो है ठेका नहीं ले सकते कि वहां पे इक्वलिटी हो सोशल जस्टिस हो मतलब यदि अमेरिका में रिसोर्सेज का बंटवारा फेयर हो ये हम कह सकते हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका और घाना के बीच में रिसोर्सेज का फेयर हो तो इसको जो है अमृत प्रोफेसर अमृत सेन ने क्लोज इम्पार्शियलिटी कहा है मतलब कि आप जो है फेयर हो इम्पार्शियल हो लेकिन एक बाउंड्री के अंदर अपने देश के अंदर उसके बाहर आप जो है अनजस्ट हो अनफेयर हो अनपार्शियल हो आप भेदभाव करते हो जबकि जो न्याय बेस्ड पर्सपेक्टिव है वो ओपन इम्पार्शियलिटी वो पूरी दुनिया में जो है फेयरनेस जस्टिस एंड इम्पार्सलिटी लाने का एम है और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है सॉवरन गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको रूल रेगुलेशन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को दंड के थ्रू करने फॉलो कराने की कोई जरूरत नहीं है ये तो मैंने आपको बता दिया मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल एजेंड मल्टीपल वैल्यू प्रिंसिपल मल्टीपल कॉन्टेक्ट न्याय परस्पेक्टिव में हेल्प रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनजस्टिस इन डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड ऐसा प्रोसेसिंग का मानना है इनका यह भी मानना है कि यदि हम न्याय बेस्ड जस्टिस अपनाते हैं तो ये लोगों का कैपेबिलिटी और फ्रीडम उसके ह्यूमन एजेंसी का ह्यूमन एजेंसी मतलब क्या है जो एक व्यक्ति कर सकता है जो नेचर ने गॉड ने उसको ताकत दी है यदि हम उसको कैपेबल बनाए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसोर्सेज का एक्सेस एडवांटेज का एक्सेस और यदि हम उसको फ्रीडम दें पॉलिटिकल फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम सोशल फ्रीडम उसको डिग्निटी दें तो वो व्यक्ति अपने ह्यूमन एजेंसी का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है अपने लिए अपने समाज अपने देश के लिए और उससे जो है हर जगह डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी आएगी सेन के अनुसार इट मे ऑल्सो हेल्प मेक द वर्ल्ड मोर जस्ट लेस अनफेयर एंड इनइक्विटेबल ऑफकोर्स न्याय इज देयर फॉर कल्चरल है ये किसी एक पर्टिकुलर तरह के समाज की परिकल्पना नहीं करता है ये वैल्यू क्रूरल है मतलब ये कई मल्टीपल प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करता है जो आपस में कंफ्लिक्ट कर सकते हैं किसी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर लिबरल डॉक्ट्राइन जैसे है उस तरह के बातों को ये नहीं मानता मतलब कि एक तरह का हो सकता है वैल्यू प्लूरल है प्रैग्मेटिक है प्रैक्टिकल है ये यूटोपिक आइडियलिस्टिक नहीं है कि हम एक परफेक्टली जस्ट सोसाइटी की परिकल्पना करेंगे या यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल जो जस्टिस हर जगह लाएगा उसको खोजने की कोशिश करेंगे ये डेलीब्रेटिव है आपस में पब्लिक प्रैक्टिकल रीजनिंग से आपस में बात करके एक तरह का जिसको इन परफेक्ट रैंक ऑर्डरिंग लाने की कोशिश कि क्या करना पहले सही है पहले सही है पहले सही एंड एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच टू रियलाइज जस्टिस तो ये सारी बातें आप एग्जाम में लिख सकते हैं ये स्लाइड जो होती है मैं हमेशा देता रहता हूं अपने ये नोट के लिए है ये आप एग्जाम में आपको मैंने नीति पहले पढ़ाया फिर न्याय पढ़ाया आप आराम से ये स्लाइड खुद बना सकते हैं मैं अपनी लैंग्वेज में आपको दे देता हूं जिससे कि आप और इसको इलाबरेट कर सके एग्जाम में ले सके अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की उसी का एक सार है नीति जो है जस्ट एंड फेयर रूल रेगुलेशन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है बिहेवियरल नॉर्म्स है टू अचीव जस्टिस जबकि न्याय जो है रियलाइज जस्टिस और एबोल्यूशन ऑफ ग्रॉस इनजस्टिस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन है विदाउट एमिंग फॉर परफेक्ट जस्टिस यह एक तरह का प्रेगमेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच है यह अरेजमेंट फोकस्ड है तो यह रियलाइजेशन फोकस्ड है इसको प्रोफेसर सेन ने ट्रांसडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म का यह वर्ड बड़ा हैवी है इसको इतना समझिए वो कहते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाना जिसको कि जस्टिस के पैमाने पर कोई उसको ट्रांसेंड ना कर सके मतलब उसको कोई लाख ना सके एक एक, ऐसी लक्ष्मण रेखा बना देना जो अपने अंदर न्याय को जरूर जो है इंश्योर करे जबकि न्याय जो है प्रैक्टिकल पब्लिक रीजनिंग है पार्सियल रैंक ऑर्डरिंग है कोई परफेक्ट रैंक ऑर्डरिंग नहीं है इसके तीन फीचर नीति बेस्ड पर्सपेक्टिव के प्रोफेसर सेन ने बताया है कि परफेक्ट जस्टिस की खोज होती है परफेक्टली जस्ट सोसाइटी की खोज होती है यह इंस्टीट्यूशन फोकस्ड है और इसमें क्लोज इम्पार्सलिटी मतलब एक नेशन कि बाउंड्री के अंदर ही केवल फेयर एंड इंपार्सल रहना है उसके आप बाहर नहीं जबकि न्याय जो पर्सपेक्टिव है जस्टिस की वो कंपेरेटिव है क्योंकि हर समाज की कंपेयर की जाती है यहां न्याय कैसे है वहां न्याय कैसे है इसमें कंपेयर किया जाता है कॉन्टेक्चुअल है हर समाज के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही उस समाज में जस्टिस को रियलाइज करने की कोशिश की जाती है रियलाइजेशन फोकस्ड है डेलीबरेटिव है और ओपन इंपार्सलिटी ये नेशन के बाउंड्री से बाहर निकल के ग्लोबल लेवल पे जस्ट एंड इम्पार्सिलिटी की खोज करता है नीति कंफॉर्म टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन और लिबरल पैराडाइम का एक पार्ट है जो एक लिबरल डॉक्ट्राइन है और वेस्टर्न समाज से जुड़ा हुआ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसका एक तरह से फ्लो करता है जबकि न्याय जो है ये रिलेट करता है मल्टीपल सोशियो कल्चरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस टू रियलाइज जस्टिस इन डिफरेंट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड तो ये मतलब एक तरह का मल्टी कल्चरल हो जाता है मल्टी वैल्यू वैल्यू प्रूरल हो जाता है और वो हर तरह के सोसाइटी को उसी के सोसाइटी के पैमाने पे और उसी के सोसाइटी के वैल्यू से जस्टिस रियलाइज करने की कोशिश है नीति जो है वो एक सॉवरन स्टेट या गवर्नमेंट की जरूरत महसूस करता है क्योंकि वहां रूल रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए दंड चाहिए जबकि न्याय कैन बी अचीव विदाउट ए सॉवरेन स्टेट बाई पार्सियल एग्रीमेंट एंड प्रैक्टिकल रीजनिंग जो जो मैंने आपको बताया तो नीति इसीलिए यूनिवर्सल है ट्रांसडेंटल है आइडियलिस्टिक है एक तरह से यूटोपिक भी हो सकता है जबकि न्याय कॉन्टेक्चुअल है सिचुएशन स्पेसिफिक है प्रैक्टिकल है नीति जो है ग्लोबल जस्टिस नहीं ला सकता क्योंकि वो क्लोज इम्पार्सियलिटी है बाउंड्री नेशन के बाउंड्री के बाहर कोई जस्टिस नहीं कोई इम्पासिटी नहीं जबकि न्याय ग्लोबल जस्टिस ला सकता है नीति जो जो है 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 यूरोसेंट्रिक क्योंकि वो एक लिबरल समाज समाज की परिकल्पना करता वेस्टर्न के तौर पे देखता है वो हर समाज को अपने ही पैमाने पे तोलता है जो वहां पे सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो वहां के वैल्यूज हैं उसी से ये सोचता है कि पूरी दुनिया में जस्टिस लाया जा सकता है तो एक जस्टिस की एक एक खास तरह की परिकल्पना यह करता है खास तरह के समाज में और पूरी दुनिया में उसी खास जस्टिस को उसी तरह के समाज में बदल करके हर समाज को अपने ही तरह के समाज में बदल के वो जस्टिस लाने की कोशिश करता है इसलिए है, यूरो न्याय जो है वो ज्यादा ईस्टर्न या ओरिएंटल है या कह लीजिए मल्टीकल्चरल है ये ज्यादा सब अल्टर्न गरीब गुरुआ मजलूम उस पर फोकस्ड है पोस्ट कोलोनियल है जो लोग कोलोनलाइज रहे हैं उनके थॉट को दर्शाता है प्लाटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है जहां वो एक आइडियल समाज की परिकल्पना करते हैं रॉल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है नॉजिक की थ्योरी ऑफ जस्टिस है या डोअर्किंग की इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है या गॉथियर का जो जस्टिस का प्रिंसिपल है ये सब जो है सोशल कॉन्ट्रैक्टियन या वेस्टर्न या यूरोसेंट्रिक या कह लीजिए नीति बेस्ड जैसे दिखते हैं जबकि एडम स्मिथ जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा प्रिंसिपल ऑफ मॉरल जस्टिस ये उन्होंने कुछ लिखा अब देख लीजिएगा बुक का नाम मॉरलिटी पर उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी थी उसमें उन्होंने स्लेवरी को काटा था इसके अलावा जो निकोलस दी कॉन्डसेंट हैं इन्होंने भी काफी गरीब लोगों की बात स्लेव की बात अन्याय हटाने की बात की थी विदाउट मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कार्ल मार्क्स को इसमें रख सकते हैं मिल को रख सकते हैं जिन्होंने कि ऑफ लिखा प्रोफेसर सेन तो है ही एंड मैरी क्राफ्ट भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे इन लोगों ने इन थिंकर्स ने इस पर ज्यादा नहीं सोचने की बात की कि कैसे फेयर रूल रेगुलेशन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बने या सोशल कॉन्ट्रैक्ट उससे बाहर निकल के इन्होंने पूरी दुनिया में कम्पेर कर कंपेरेटिव बेसिस पे कि इंडिया में क्या हो रहा है अफ्रीका में क्या हो रहा है और वहां क्या होना चाहिए और कैसे हम इनजस्टिस को कम करें इस पर ज्यादा विचार किया इसलिए प्रोफेसर सेन ने इन लोगों को न्याय बेस्ड परस्पेक्टिव के खाने में रखा है फाइनली डियर स्टूडेंट यदि हम लोग कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स को फिर से एक बार रिविजिट करें ये भी मैं अपने स्लाइड में हमेशा देता हूं ये आपको हेल्प करता है एग्जामिनेशन में भी आगे भी आपको काफी हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में यदि हम पहले देखें जो नीति फोकस थ्योरी ऑफ जस्टिस के खाने में कौन कौन देखते हैं मैंने कई बार आपको इनका नाम अभी तक बता दिया है जॉन रॉल आप यहां देख सकते हैं शायद 20वीं सदी के सबसे महान पॉलिटिकल फिलोसोफर जिन्होंने 1971 में बुक लिखा जस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसमें उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्योरी थी जहां पे कि यह माना गया कि एक ओरिजिनल पोजीशन है मतलब जहां कोई गवर्नमेंट नहीं है कोई समाज में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और वहां सभी मिलकर के एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमेजनरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उन लोगों के आंख पे जो है पट्टी है एमनेजिया में है मतलब उनको कुछ याद नहीं है जो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि समाज कैसा बनना चाहिए रूल रेगुलेशन जिसको उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा और वहां पे बैठ करके वो समाज के नीति निर्माण कर रहे होते हैं तो जॉन डॉल का कहना है ऐसे यदि हम परिकल्पना करें कि एक ओरिजिनल पोजिशन है और वेल ऑफ इग्नोरेंस है तो फिर जो है हर व्यक्ति भले ही अपने स्वार्थ के बारे में सोचे और अलग अलग परिकल्पना रखे कि सही ढंग से जीवन कैसे जीना चाहिए क्या होना चाहिए फिर भी वो एक ही जगह पहुंचेंगे जो मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से मैं ये सेट ऑफ प्रिंसिपल दे रहा हूं और इसी तरीके से वो बंटवारा करेंगे रिसोर्सेज का उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल दिया था जिसको लिबर्टी प्रिंसिपल कहते हैं फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं और डिफरेंस डिफरेंस प्रिंसिपल प्रिंसिपल कहते हैं उनका इतना फेमस हुआ था उसमें था उसमें उन्होंने लाइन दिया कि यदि समाज में इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का तो वो तभी अलाउ किया जा सकता है यदि वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो लीस्ट एडवांटेज पीपल को मतलब जो सबसे पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसको सबसे अधिक फायदा हो किसी डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न से तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है इसको डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं जॉन रॉल रॉबर्ट नॉजिक ने तीन साल बाद एक किताब लिखी स्टेट एंड यूटोपिया एनआरकी तो हो गया बिना स्टेट के लॉ ऑफ नेचर जहां ओरिजिनल पोजीशन फिर स्टेट आती है और वो एक यूटोपिक ट्राई करती है इनके अनुसार जॉन रॉल के कहने पे कि वो एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करती है स्टेट के बल के बेसिस पे कि किसको कितने संपत्ति रिसोर्से इनकम ऑफिस का बंटवारा होगा नॉजिक जो है एक लिबर्टेरियन थे यहां आप उनका पिक्चर देख सकते हैं वो इसका मजाक बनाते हैं वो कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार जैसे ही पीठ मोड़ेगी वैसे ही वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन होगा और फिर समाज में जो रिसोर्सेज का पैटर्न है वो बदल जाएगा इसके बदले वो कहते हैं कि इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि संपत्ति जो एक्वायर की गई है कभी भी की गई हो ओरिजिनल पोजीशन में वो क्या सही ढंग से की गई क्या बाद में जो उसका ट्रांजैक्शन हुआ ट्रेड हुआ सेल हुआ हुआ परचेज वो जस्ट था फेयर फेयर था यदि ये दोनों है तो फिर आज जो बंटवारा है उसमें सरकार को नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है उसको छोड़ दो यदि गलत हुआ है आप सुधारो हिस्टोरिकली भी गलत हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड है तो सुधारो उसको ये लॉजिक का इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है मतलब एक लाइन में कहें तो यदि संपत्ति का एक्विजिशन और उसका ट्रांसफर फेयर एंड जस्ट है तो आज जो बंटवारा है कौन अमीर है कौन गरीब है वो भी जस्ट एंड फेयर है आप उसको इन अनजस्ट मत कहो और सरकार उसमें कोई जो है इंटरवीन ना करे जो ये है वो सही है देन रोनाल्ड डॉर्किंग जो है वो 2000 में लिखते हैं सॉवरन वर्चू और उसमें वो जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैंने एक पूरा वीडियो इस पर बनाया है आप उसको देख सकते हैं उनको लक इगैलिटेरियन कहते थे लक इगेलिटेर मतलब ये होता है कि समाज में ऐसी समता लाई जाए मतलब समता लाई जाए इक्वालिटी लाई जाए जिसमें कि कोई लक का स्थान ना हो लक मतलब कि कोई नेचुरल या सोशल लक नेचुरल लक क्या है कि आप लंबे हो तगड़े हो गोरे हो सुंदर हो ये नेचुरल लक है आपका शरीर अच्छा है आपका दिमाग भरिया भगवान ने अच्छा दिया है आपका सोशल लक क्या है आप किसी अमीर घर में पैदा हुए हो कनेक्टेड घर में पैदा हुए हो ये आपका सोशल लक है तो जो लक इगैजिटेरियन होते हैं कहते हैं कि हमें एक समाज में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो नेचुरल एंड सोशल लक को न्यूट्रलाइज करे जो लोग को सोशल या नेचुरल लक बैड है जो लोग ठीकने पैदा हुए हैं काले पैदा हुए हैं बहुत मजबूत नहीं है या बहुत बुद्धिमान नहीं है या वो गरीब घर में पैदा हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है उनको बराबर मौका मिले उनसे जिनका नेचुरल और सोशल लक अच्छा है तो ये उसी बेसिस पे वो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं डेविड गॉथियर भी जो है उसी परंपरा में आते हैं इन्होंने जस्टिस को म्यूचुअल एडवांटेज करार दे दिया मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है यदि हम फाइनली देखें कि न्याय फोकस थ्योरी ऑफ जस्टिस में कौन कौन थिंकर आते हैं तो मैंने आपको बताया निकोलस डी कॉन्ड्रसेंट आते हैं इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं ये फ्रेंच फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन थे इन्होंने एडवोकेट uh, किया था इक्वल राइट फॉर वुमेन और पीपल ऑफ ऑल रेसेस को बराबरी मिलना चाहिए स्लेवरी खत्म होनी चाहिए एडम स्मिथ जिन्होंने की uh, जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड लैटनमेंट के बहुत बड़े थिंकर थे उन्होंने जो बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन वो तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक ग्रंथ माना जाता है बाइबल माना जाता है इसके अलावा सॉरी <coughs> जिस बुक का मैं जिक्र कर रहा था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट ये उन्होंने जो है बुक लिखी है जिसमें कि उन्होंने जो है काफी बातें की थी कंपेरेटिव बेसिस पे कैसे इनजस्टिस हटाया जाए इसके अलावा उन्होंने इनविजिबल हैंड लिखा है इनफैक्ट वो मार्केट को इनविजिबल हैंड कहते हैं एंड ही आर गुड अगेंस्ट स्लेवरी एंड ग्रॉस इनजस्टिस एनी वेर इन द वर्ल्ड जॉन स्टोर्ट मिल जो की एक बहुत प्रोमिनेंट थिंकर थे इंग्लैंड के नाइनटीन सेंचुरी के इनके फादर जेम्स स्टोर्ट मिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत बड़े ऑफिसर थे इन्होंने भी कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था चैंपियन ऑफ लिबर्टी उन्होंने बुक लिखा था ऑन लिबर्टी और इसके अलावा उन्होंने वुमेन के राइट के लिए वो जीवन भर लड़ते रहे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बुक लिखा था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन और ही ऑल्सो वर्क फॉर राइट्स ऑफ माइनोरिटी एंड लेबर कोऑपरेटिव मैरी वोस्टन क्राफ्ट जो है वो पहली फेमिनिस्ट मानी जाती है बहुत रेडिकल थी अपने थॉट में वैसे उनको लिबरल फेमिनिस्ट और फर्स्ट जनरेशन की फेमिनिस्ट माना जाता है उन्होंने भी जो है जो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी जो परंपरा रूढ़िवादीता थी जिसमें कि औरतें और जो दबे कुचले लोगों को जो न्याय नहीं मिलता है उसके लिए हमेशा आवाज उठाती रही प्रोफेसर सीन अपने इंडिया के एक तरह से ज्वेल इन आवर फिलोसफर्स uh, ट्रेडिशन वो हार्वर्ड में पढ़ाते हैं इसके अलावा नोबेल प्राइज उन्होंने 1998 में जीता है और उन्होंने जो थॉट दिए हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट uh, है वर्ल्ड को उन्होंने बदलने में उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की थॉट है उसी पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शुरू किया उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ फ्रीडम दिया जिसको फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी इसके अलावा उन्होंने जो है या कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ जस्टिस भी कह सकते हैं या कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं उन्होंने एक बुक लिखा डेवलपमेंट एज फ्रीडम उनके अनुसार से एक इंडिविजुअल एजेंसी की कैपेबिलिटी और फ्रीडम को यदि आप बढ़ाते हैं तो डेवलपमेंट होगा मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है और जहां पे इस जो डिस्कशन की बात आती है वो उनके सारे जो 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 थॉट हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है जो निहित है आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 की बुक में जो उन्होंने जॉन रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस के एक जवाब में जो है उन्होंने लिखा था जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने दो खाने में जस्टिस के पर्स्पेक्टिव को बांट दिया एक नीति संस्कृत के वार्ड लेकर के जो कि रूल आधारित है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फोकस्ड है और दूसरा न्याय जो कहीं भी ग्रॉस इनजस्टिस को खत्म करता है जो रियलाइजेशन फोकस्ड है प्रोफेसर अमृत्य सिंह सो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा पूरी तरीके से एक तरह से नोट आधारित है मैं एग्जाम गाइड में इसकी पूरी क्वेश्चन आंसर भी लिखने की कोशिश करूंगा यदि ऐसा है तो आप इसको प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और याद रखें डियर स्टूडेंट ये नहीं कि आपने ये वीडियो देख लिया और आपको बहुत मजा आया लेकिन आपने सोचा मैं दूसरे को क्यों बताऊं हमेशा याद रखिएगा मैं नॉलेज क्यों शेयर करता हूं नॉलेज एक अजीब सी संपत्ति है जो केवल शेयर करने से बढ़ती है जहां आपने उसको ठहरने दिया वहां वो सड़ जाती है प्लीज शेयर करें लोगों को बताएं और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो गाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इस साइट से और इस तरीके से आप मुझसे जो है बातें कर सकते हैं मुझसे सवाल पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा मुझे आजकल बहुत ज्यादा मेल आते हैं लेकिन मैं हर मेल का जवाब देता हूं चाहे देर सवेर ही और छोटे छोटे सवाल पूछिए जिसका एक आध लाइन में जवाब दिया जा सके मिलेंगे बहुत जल्द मे बी कुछ एक हफ्ते के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपके लेकर के और बहुत जल्द हम लोग खत्म कर देंगे डीएससी थ्री को और फिर जाएंगे डीएस डीएससी टू को और फिर जाएंगे डीएससी थ्री में तब तक के लिए विदा